Dear students, welcome to Bram School Online Study Channel. I hope you must have subscribed to this channel. If not, please first subscribe this channel and press the bell icon to get notifications for new videos. Today, we shall learn a new lesson from the English book of class 7 of GCERT. We shall learn lesson 5. The name of lesson is Exploring Values. The story tells us that everything has a certain value attached to it. But in this story, Swaminathan, a boy who does not like mathematics, lives in his own fantasy world. You shall love this story. It is from a book, Swami and His Friends by R.K. Narain. And yes, if you want to meet Swami and his family and friends, search for Malgudi Days on YouTube. You shall find many episodes. Let's begin. Okay. Get the slate here. Lao, wo slate mujhe de do. I will make you give the answer now. अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आंसर आएगा इसका. स्वामीनाथन वेटेड फॉर अ मिरेकल टू हैपन. स्वामीनाथन सोचता है अब तो कुछ जादू होगा. फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क. फादर उस सम को स्टडी करते हैं और पूछते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज. 10 मैंगोज का क्या प्राइस था. 15 अनास. ऑफकोर्स स्वामीनाथन थॉट. स्वामीनाथन सोच के बोलता है 15 अनास था. बट हाउ कुड इट बी द प्राइस. लेकिन स्वामीनाथन बोलते हैं लेकिन वो कैसे प्राइस हो सकता है. व्हाट इज द राइट प्राइस. लेकिन राइट प्राइस क्या है. एंड ही वाज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि मैंगो पके हुए हैं या कच्चे हैं. इफ दे वर राइप. अगर वो पके हुए हैं 15 आना शुडंट बी एन अनफेयर प्राइस. हाँ अगर मैंगोज पके हुए हैं तो उसके लिए 15 आना अनफेयर प्राइस नहीं है. इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. उसका पॉइंट सिर्फ लाइट. उसका जो पॉइंट था किसका. स्वामीनाथन का. किस पे था. सिर्फ और सिर्फ मैंगो पके हुए हैं या कच्चे उस पे ही था. उसको कितने पैसे हैं क्या है उस पे बिल्कुल फोकस नहीं था. दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज. कितने पैसे चाहिए मैंगोज के रामा को. 15 आनास रिप्लाई स्वामीनाथन. स्वामीनाथन बोलता है 15 आनास. यानी पापा उसको पूछते हैं कि रामा को कितने मैंगोज चाहिए. हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगो. यानी रामा को कितने मैंगोज चाहिए. 15 आनास स्वामीनाथन रिप्लाई. स्वामीनाथन बोलता है 15 आनास. तो यहाँ पे फादर बोलते हैं वेरी गुड. हाउ मेनी मैंगो डज कृष्णा वॉन्ट. तो उसके बाद बोलते हैं वेरी गुड. यानी स्वामीनाथन को ये तो पता है कि 15 आनास चाहिए रामा को. ओके अभी यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछते हैं फादर तो कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए. अगेन स्वामीनाथन आंसर देता है 4. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज. तो फिर 4 मैंगोज का प्राइस कितना होगा. फादर सीम्स टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम. और पापा को ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते वो स्वामीनाथन को टॉर्चरिंग कर रहे थे. टॉर्चरिंग करना यानी वन टाइप ऑफ हैरेसमेंट. और उनको खुशी हो रही थी. यानी यहाँ पे वो वन बाय वन क्वेश्चन स्वामीनाथन को पूछ रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं. हाउ कुड ही नो. हाउ कुड ही नो वॉट दैट फुल कृष्णा वुड पे. ओके तो यहाँ पे हाउ कुड ही नो यानी कृष्णा को कैसे पता होगा. हाउ कुड ही नो वॉट दैट फुल कृष्णा वुड पे. यानी यहाँ पे रामा जो है ओके तो रामा को क्या पता होगा कि वो कृष्णा कितना पे करेगा. क्योंकि यहाँ पे स्वामीनाथन का फोकस उस पके हुए आम पे है या कि वो पके आम पे है मैंगोज पे है कि वो पके हुए हैं या नहीं है. इसीलिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू कृष्णा की ओर से ऐसा हो रहा है. यानी वो कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा है कि कृष्णा को क्या पता होगा कि वो आम के कितने पे करेगा. क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि वो आम पके हुए या नहीं है तो कृष्णा को भी कैसे पता होगा. तो कृष्णा कितने पैसे पे करेगा वो मुझे कैसे पता होगा. ये स्वामीनाथन बोलता है लुक हियर बॉय आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेश यू. देखो यहाँ बच्चे अब मेरा दिमाग गया. यानी अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ही ओके और मेरा अब मुझे गुस्सा आया तो आप मार खाओगे. व्हाट हैव यू इन यू योर हेड. आपके दिमाग में चल क्या रहा है. 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनास. 10 मैंगोज की अगर 15 आनास प्राइस है तो एक व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन. तो एक का प्राइस क्या होगा. कम ऑन इफ यू डोंट से इट. अब बताओ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है. His hands took Swaminathan's ear and gently twisted it.
पापा जाते हैं और स्वामीनाथन के कानों को ट्विस्ट करते हैं. ओके, स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन. लेकिन यहाँ पे स्वामीनाथन कुछ आंसर ही नहीं दे पा रहा है. क्यों नहीं दे पा रहा है? बिकॉज स्वामीनाथन को पता ही नहीं है कि उस सम को सॉल्व करने के लिए उसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है या डिविजन करना है. द लॉन्गर ही हेसिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग. वो जितना घबरा रहा था उतना ही उसके फादर उसके कानों को जोर से ट्विस्ट कर रहे थे. इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विद अ स्काउल फॉर एन आंसर ही रिसीव ओनली अ सिक्वल फ्रॉम हिज सन. वो जितना वेट करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही स्वामीनाथन अपने आंसर को देने के लिए एबल नहीं था. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट एज 15 फॉर 10. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि एक सिंगल मैन कॉस्ट एट 15 आनास फॉर 10, यानी एक आम की कितनी कीमत है. जब तक तू ये मुझे नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. वॉट वॉज द मैटर विथ फादर? फादर के साथ क्या मैटर है? स्वामीनाथन गैप ब्लिंकिंग, यानी वो आंखों को ब्लिंक करते हुए सोचता है कि पापा को है क्या, पापा क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं. वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो हिज प्राइड? क्या इतनी जल्दी है पापा को जानने की कि क्या प्राइस है? एनी वे, इफ फादर वॉन्टेड टू नो सो बैडली इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट. ओके, यहाँ पे वो क्या बोलता है? एनी वे, इफ फादर वॉन्टेड टू नो सो बैडली, अगर उनको इतने गंदे तरीके से, मीन्स मेरा कान मरोड़ते हुए अगर उनको जानना ही है कि क्या प्राइस है, इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, मुझे हैरेसिंग करने से बेटर है कि लेट हिम गो, वो जाए मार्केट में और फाइंड आउट करके आए. फादर एडमिटेड डिफेट बाय डिक्लेयरिंग वन मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आना सिंप्लीफाई इट. उसके फादर उसको बोलते हैं अब तू हार गया है. ओके, मैं अब बताता हूँ कि वन मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आना. अब मैं तुझे सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता हूँ कि अब इसको सॉल्व करो. वन मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आनास, अब मुझे सॉल्व करके दिखाओ. हियर ही वॉज बींग लीड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एरिथमेटिक फ्रैक्शन. दिस पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्वामीनाथन. उसको पता ही नहीं था, वो इतने क्लूज देने के बाद भी वो उस सम को सॉल्व करने के लिए एबल नहीं था. गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट. फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे स्लेट दो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. ही वर्क एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स. उसने बहुत वर्क किया और लास्ट में 15 मिनट्स के बाद उसने कुछ फाइंड आउट किया. द प्राइस ऑफ वन मैंगो इज 3/2 आनास. वो बोलता है कि द प्राइस ऑफ वन मैंगो, एक मैंगो का प्राइस इज 3/2 आनास, 3/2 आनास है. ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रिकेटेड एनी मोमेंट बट फादर सेड वेरी गुड सिंप्लीफाइड फर्दर. इट वॉज प्लेन स्लेलिंग सेलिंग आफ्टर दैट स्वामीनाथन अनाउंस एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स इग्नोय कृष्णा मस्ट पे 6 आनास एंड ब्रश इन टू टीयर्स. इतना सारा होने के बाद उसके फादर बोलते हाँ ठीक है, अच्छे से कर रहे हो, और आगे करो और आगे करो. और लास्ट में वो क्या अनाउंस करता है? अपना आंसर अनाउंस करता है कि कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा. कृष्णा को पे करना पड़ेगा 6 आनास और एंड ब्रश इन टू टीयर्स और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है. I hope you must have enjoyed learning the lesson. Please read it again from your textbook. Underline the words that you do not understand or find difficult. Try and find their meanings on your own. Or you can put your questions in the comments box. I shall be glad to answer all your queries. We will meet again in the next video. Till then, it's goodbye from Bram School.